हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि कल स्टूडेंट ने कि कैसे रिपोर्ट डिजाइन करेंगे, तो एक छोटा सा दिखाने के लिए। वैसे तो मैंने वीडियो क्रिएट कर रखा है, लेकिन दिखाने के लिए बता देता हूँ कि रिपोर्ट हम कैसे डिजाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म हमने डिजाइन कर रखा है, यहाँ पे क्विट एप्लीकेशन का बटन है, अगर क्विट पे क्लिक करते हैं तो क्विट हो जाएंगे। और भी बटन हमने बनाए हैं, यहाँ पर एक क्वेरी बनाई है हमने। क्वेरी में हमने यहाँ पर एंड का यूज किया है, और एंड का यूज करके ये दो फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को जोड़ा है। कैसे किया है ये दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, वहां पे राइट क्लिक करके और यहां से दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमने किया है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं ये टेबल है हमारी, तो टेबल कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर फुल नेम, और फिर यहाँ पे इंग्लिश, और ये इस तरीके से टेबल हमें दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और ये फॉर्म हमारा हो गया। अब इसके लिए हमें रिपोर्ट डिजाइन करना है, तो रिपोर्ट कैसे डिजाइन करेंगे, तो क्रिएट पर जाएंगे, ठीक है, सिंपली, और यहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अगर रिपोर्ट डिजाइन पर जाते हैं तो उसमें डेट वगैरह नहीं आएगी ऊपर, मैं दिखा देता हूँ। पहले रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से ही आ गया रिपोर्ट। ऊपर डेट दिखाई पड़ रहा है, टाइम दिखाई पड़ रहा है कि ये रिपोर्ट कब जनरेट किया गया। इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, तो व्यू में जाकर के और फिर डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे और यहां से इन सबको छोटा कर लेंगे। तो छोटा कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जाइए और इसको फर्स्ट नेम को छोटा कर लीजिए, ठीक है। लास्ट नेम को भी छोटा करना है तो यहाँ पे जाइए और लास्ट नेम को भी छोटा कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे फुल नेम आ रहा है, तो फुल नेम भी थोड़ा सा छोटा रखेंगे, तो इतना छोटा कर देता हूँ। अब ये सारी चीजें डिस्प्ले होंगी, दिखाई पड़ेंगी, तो ये इस तरीके से रिपोर्ट हमारा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, और अगर आप छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसका थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेते हैं हम, और यहाँ फुल नेम को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब ये रिपोर्ट हमारी दिखाई पड़ने लगी। अब यहां पर क्लिक करिए, ये जो टाइटल है इसको हम सेट करना चाहते हैं, या फिर इस टाइटल को हटा देना चाहते हैं, कुछ और टाइटल देना चाहते हैं, और यहां पर लोगो लगाना चाहते हैं, तो ये लोगो का बटन है, आप चाहे तो इस पर लोगो भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं टाइटल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर टाइटल पे जाते हैं, इस पूरे को सिलेक्शन में लेते हैं, होम टैब पे जाते हैं, और यहां से जो फॉन्ट ठीक लगे वो फॉन्ट हमें चूज करना है। तो यहां पर मुझे एरियल ब्लैक ठीक लग रहा है, तो एरियल ब्लैक हमने ले लिया। और यहाँ पर टाइटल कुछ और देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ रिपोर्ट कार्ड, तो यहाँ लिख दिया हमने रिपोर्ट कार्ड, ओके। तो ये टाइटल हो गया हमारा। अब इसको सिलेक्शन में लेकर के और फिर यहाँ पर जाकर के और यहाँ से इसको कलर एक प्रोवाइड कर देता हूँ रेड, और बैकग्राउंड को कौन सा कलर प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाकर के और बैकग्राउंड को एक कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड पे मैं ये थोड़ा सा ग्रीन कलर लगा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन टाइप में, ठीक है। और इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लेकर के और यहां से इसको बोल्ड कर देता हूं, और बोल्ड करने के बाद थोड़ा डार्क कर दूंगा ब्लैक, ठीक है। तो ये डार्क ब्लैक कर दिया हमने, और रिपोर्ट कार्ड को तो हमें रेडी रखना है, तो यहां से जाकर के और इसको रेड कर देता हूं, तो ये रेड में हो जाएगा। अब बाकी सारा डेटा हमारा डार्क ब्लैक में हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली व्यू पे करना है क्लिक, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट हमारी कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 20 जनवरी 2021 लिखा हुआ है, यहाँ 10:15:42 हुए हैं, और ये देख सकते हैं पेज नंबर 1 है। अगर और भी इसमें आप ऐड करते हैं चीजें तो नीचे ऐड होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं और वापस से एक और रिपोर्ट तैयार करते हैं। मैंने कहा था कि रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप रिपोर्ट डिजाइन पे जाएंगे तो क्या होगा, रिपोर्ट डिजाइन पे आ गए और यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग पे जाएंगे तो हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहला ये ले लिया हमने रोल नंबर, ठीक है, और ये लेवल की हमें जरूरत नहीं, तो लेवल हटा देते हैं यहाँ से। तो ये पहला हो गया रोल नंबर, और रोल नंबर का जो ये जो साइज है ना, यहाँ से हम रिड्यूस कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जरूरत नहीं, फुल नेम ले सकते हैं हम, यहाँ पे रखा हमने फुल नेम को, और ये लेवल की हमें जरूरत नहीं, तो लेवल हटा देते हैं और ये फुल नेम को यहाँ पे रख दिया हमने ला करके, ठीक है। यहां से इसको छोटा कर लिया और फिर यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे और लेबल को यहां से हटा देंगे, ठीक है। लेबल हटा दिया हमने और यहां पे जाकर के इसको रख दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मूव करेंगे, इंग्लिश और फिर कंप्यूटर, और फिर ये हिंदी का लेबल भी डिलीट कर देता हूं मैं, और हिंदी सब्जेक्ट को यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ओके। यहाँ पे गए हम और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और ये टोटल जो है यहाँ पे रखेंगे, तो टोटल को भी लाके हमने रख दिया है।
अब ये रिपोर्ट हमारे अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसे डिजाइन हो रहा है, और यहाँ पे डेट वगैरह नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको हम जब व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में डेट वगैरह कुछ नहीं आ रहा है और एक सिर्फ हमें नाम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों तरीकों से डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें टाइटल देना है तो यहाँ टाइटल पर क्लिक कर दीजिए ऊपर, ये रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था रिपोर्ट कार्ड, तो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड लिख देता हूं। और यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है तो ये इस तरीके से फॉन्ट हम चेंज कर लेंगे इसको सिलेक्शन में लेकर के, और फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे एरियल ब्लैक या जो भी हो, तो ये फॉन्ट हमने ले लिया। और यहाँ पे जाकर के इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्शन में लिया और यहाँ पे जो भी आपको कलर ठीक लगता हो उस कलर में आप इसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ग्रीन कर दिया और इसका जो कलर है वो हम कर देंगे यहाँ से चेंज, और इसका कलर मैं रख देता हूँ व्हाइट। तो ये इस तरीके में करना, तो ये सेंटर में हमने कर दिया, ओके। हेडर पे अगर कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ब्लैक रखता हूँ। और ये इस तरीके से हमने कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये हमने रिपोर्ट डिजाइन कर दिया और इसको हम यहाँ से जा करके और इसको छोटा कर देते हैं, और पेज फुटर को मैं ब्लैंक रखता हूँ। और रिपोर्ट फुटर पे चाहे तो आप बटन्स वगैरह क्रिएट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा रिपोर्ट डिजाइन हो जाएगा। ये देखिए अब ये पूरा पूरा आने लगा है, ठीक है। हर नेम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन ये बीच में गैप जो दिखाई पड़ रहा है इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऊपर कर लीजिए आप, ठीक है। और अब इस पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए गैप थोड़ा रिड्यूस होने लगा है। और ये जो कलर है इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस कलर को कुछ और कर देता हूँ, जैसे यहाँ होम टैब पे जाकर और फिर यहाँ पे जाके और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब ये रिपोर्ट हमारा ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए डेट वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं डायरेक्टली जैसे तैसे रिपोर्ट डिजाइन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको डेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।